भैया बहनों गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको यूकेजी मैथ में ऑप्टन नंबर बताने जा रही हूँ। इससे पहले भी मैंने आपको ऑप्टन नंबर बताई थी, आज फिर मैं आपको ऑप्टन नंबर बताने जा रही हूँ। ऑप्टन नंबर मीन्स क्या होता है? बाद की गिनती लिखना। क्या लिखना रहता है? बाद की गिनती लिखना। आप बाद की गिनती तभी लिख सकते हैं जब आपको काउंटिंग अच्छे से लर्न रहेगा। चलिए आइए देखिए किस तरह लिखा जाएगा। पहले आप अपनी कॉपी में डेट डालेंगे, फिर लिखेंगे क्लास वन। आपके सामने क्वेश्चन, राइट द ऑप्टन नंबर। क्या लिखा गया है? राइट द ऑप्टन नंबर। ऑप्टन नंबर मीन्स क्या होता है? बाद की गिनती लिखना। चलिए देखिए, ये आपके सामने क्या है, नंबर दिए गए हैं, इनके बाद के नंबर लिखना रहेगा। क्या करना रहेगा आपको? बाद की गिनती लिखना रहेगा। देखिए 25, 9, 16, 56, 61, 68, ये क्या है, हमारे नंबर दिए गए हैं। क्या है? नंबर दिए गए हैं, इनके बाद के नंबर लिखना है। 25 के बाद क्या आएगा? हमको नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे? काउंटिंग करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 के बाद क्या आएगा? 26। क्या है 25 के बाद? 26। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 26। अब देखिए 9 के बाद क्या आता है? 10। 16 के बाद 17, 56 के बाद 57, 61 के बाद 62, 68 के बाद 69। देखिए 25 के बाद 26, 9 के बाद 10, 16 के बाद 17, 56 के बाद 57, 61 के बाद 62, 68 के बाद 69। ये क्या है? ऑप्टन नंबर हमने आपको लिखना बता दिया है। इसी तरह आप लोग क्लास वर्क और होमवर्क दोनों में लिखेंगे।